साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुशवाहा, आप देख रहे हैं गोरखपुर समाचार। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई वह कहीं न कहीं भारत के माथे पर एक कलंक का टीका लगाने का काम किया है, और उसके विरोध में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से स्वामी विवेकानंद चौक यानी छात्र संघ चौक तक एक मेडल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। हमारे साथ एक महिला खड़ी है, क्या नाम है आपका? सुरुचि। ये बताइए, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आज? मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम लोग कैंडल मार्च निकालने का मतलब हमें अन्याय चाहिए। अब बताइए, अब महिलाओं के पक्ष में हम अकेले महिला खड़ा होकर अन्याय मांग रहे हैं। हमारे देश की सरकार क्या करती है, कानून क्या करता है, कोई भी आरोपी हो उसको सजा नहीं मिलती, थोड़े दिन हिंसा होती है उसके बावजूद फिर वो स्टॉप कर दिया जाता है, किसी को अन्याय मिलती नहीं। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। घटना मई में हुई है और अब जाकर के उजागर हुआ, अभी बंगाल में भी एक घटना इस तरह की सुनने के लिए आ रही, सोशल मीडिया लगातार चल रही। यूपी में तो योगी जी का राज है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? योगी जी है, एक बात होती है, हर जगह योगी जी जाएंगे नहीं ना, तो कम से कम सरकार को इतना सिकंजा तो रखना चाहिए ना कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना आए। हमारे देश की जो बेटी है, माँ है, वो जीत रहे हैं। आपको चौकीदार आज उनकी चौकीदारी वो कहते थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं की सुरक्षा की सवाल करो किसी प्रकार से खड़े कर लेना। कैंडल मार्च आपने निकाला विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सर इस कैंडल मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं किन सरकार को और राज्यों के सरकार को? बराबर संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या कैंडल मार्च निकालने से ही आप एक नजर को बड़ा देखेंगे दुनिया में कहीं भी अगर क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा वहाँ का छात्र और युवा। क्या नाम है आपका? लेकिन मणिपुर की जो घटना है वो सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में टूट गया है, जो हमेशा भारतीयों के पक्ष को नीचे करने का काम करता है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी संस्थापक अध्यक्ष, छात्र एनजीपी महाविद्यालय सरकार के मौजूदा। हमारे साथ दुबे जी खड़े हैं, लल्लन दुबे, काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये बताइए दुबे जी, आपको इस पूरी घटना के बीच में क्यों कूदना पड़ा? मणिपुर देखिए, आप मन बहुत है, हमारे देश में जो चल रहा है, विकास हो रहा है, देश का नाम विदेशों में हो रहा, तो क्यों हाथ है आपका मन? आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। आने वाले लगभग मुझे लगता है कि 60 वर्षों में गैस सिलेंडर के दाम हम कहते हैं कि 400 रुपए से ज्यादा नहीं हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह यह सरकार जनता को बेवकूफ बनाती है, सब्सिडी के नाम पे 1100 रुपया लोगों से पर सिलेंडर वसूला जा रहा है, लोगों को उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर भी आवंटित किए गए, लेकिन आज के समय में क्या किसी को सब्सिडी मिल रही है? दूध तेल नमक चीनी पानी हर जगह तो इनकी क्या नाम है जीएसटी और टैक्स लगा, इतना टैक्स कभी कभी भी नहीं लगा। इतना टैक्स अगर अन्य सरकारों में लगा होता, ईमानदारी से काम होता तो चांदी की सड़क। स्मिता ईरानी जी महिला मंत्रालय देख रहे, खुद महिला हैं, अभी तक उनका वर्जन क्या आया, क्या आप उसे संतुष्ट हैं? कभी नहीं संतुष्ट है और न इनका कोई वर्जन, इनका सिर्फ एक ही वर्जन है किसी भी तरह सत्ता में काबिज रहना, उसके लिए शाम दाम दंग। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम लल्लन दुबे है, मैं समाज सेवी हूँ, आप जानते हैं। युवा सोच के साथ तमाम युवा खड़े हैं, क्या नाम है आपका? ऋषि यादव। यादव जी, आज कैंडल मार्च निकला है, केवल मोमबत्ती जला करके हम घटनाओं को भूल जाते हैं, कहीं भी घटना हुई हो, निर्भया कांड हो या तमाम कांड होते हैं, आज का जो कैंडल मार्च है इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए कैंडल मार्च निकाला गया है न्याय के लिए, जब तक
दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे और ये बहुत ही शर्म की बात है। 90 दिन हो गया मणिपुर हिंसा में जल रहा है। समुदाय के लोग ने दूसरे समुदाय की महिला को गंगा परेड कराया, अभी तक महिला आयोग मौन है। और सबसे बड़ी विषम की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस दौरा करेंगे, अमेरिका दौरा करेंगे, हर जगह दौरा करेंगे, लेकिन 90 दिन हो गए अभी तक मणिपुर का दौरा। अभी जो मन की बात चलती उसमें कहीं मणिपुर का हिंसा की बात आई कि नहीं? कोई बात नहीं है, मन की बात सुनना कौन चाहता है? भाजपा पदाधिकारी के अलावा कौन मन की बात सुनता है? हमको लगता है अभी हमारे गृह मंत्री ने बोला था कि चाहे दिन हो चाहे रात, महिलाएं हमेशा सुरक्षित हैं। जब दिन में ही अधनन प्रदर्शन कराया गया महिलाओं को, तब हमारे गृह मंत्री जी कहाँ थे? और हमको लगता है ये भाजपा के जितने पदाधिकारी जितने मंत्री हैं वो सिर्फ गाय को ही माता मानने में व्यस्त हैं, माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं बचा।